जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट पर आया फैसला, इस तारीख को घोषित होगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट की फाइनल तारीख आ चुकी है। दोस्तों फाइनल फैसला आ चुका है, पूरा वीडियो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CBSE ने 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला बताया। CBSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है उनके लिए अलग एग्जाम्स का ऑप्शंस भी रहेगा। तो दोस्तों CBSE ने आज, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आज मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, एक रिपोर्ट पेश करनी थी कि रिजल्ट किस तरह से बनाया जाएगा। तो दोस्तों CBSE ने अपना रिजल्ट पे बनाने की जो प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया और उसने कहा है कि 31 जुलाई तक हम अपना रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों CBSE बोर्ड की परीक्षा, 12वीं परीक्षा को रिजल्ट के लेकर तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं और 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परीक्षा परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। तो दोस्तों हमारा रिजल्ट किस तरह से बनाया जाएगा, 10वीं का रिजल्ट, 11वीं का रिजल्ट और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार। तो दोस्तों 10वीं का रिजल्ट लिया जाएगा, 11वीं का रिजल्ट लिया जाएगा और 12वीं का हमारा प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे उनका रिजल्ट, इन तीनों रिजल्ट को बनाकर हमारा फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों CBSE बोर्ड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए CBSE ने कहा है कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 सब्जेक्ट में छात्र ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा उसी को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। तो 10वीं के केवल 3 सब्जेक्ट जिसमें आपने सबसे ज़्यादा नंबर ले आए होंगे, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, केवल उसी सब्जेक्ट को चॉइस किया जाएगा। 11वीं के केवल 11वीं के सभी 5 विषयों को एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का रिजल्ट आधार बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट तैयार होना है। यानी कि दोस्तों रिजल्ट तैयार किया जाएगा 30-30-40 के फॉर्मूले पर तैयार किया जाएगा। यानी 10वीं का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं के जो नंबर हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गया हमारा, तो इन सभी प्री बोर्ड हो गए उनका 40%। तो 230-30-40% का वेटेज मिला करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालत सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई किस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाएगा हमारा, और दोस्तों हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।